चलो बच्चों, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये जानते हैं कि नाउन है क्या। तो हमारे इंग्लिश सेंटेंस में एक छोटा सा पार्ट्स नाउन है। अब तुम जिस रूम में बैठे हो, जिस क्लास में बैठे हो, तुम्हारे अगल बगल चारों तरफ जो भी चीज़ तुम देख रहे हो वो सभी क्या है, नाउन है। यानी जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कॉमन नेम ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समान नाम, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्रदर, वाइफ, फ्रेंड्स, फार्मर, डॉटर, ये सभी जितने भी हैं ये व्यक्तियों के कॉमन नेम हैं। चलिए आगे हम देखते हैं पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के खास नाम। ठीक है, कोई भी नाम व्यक्ति का, जो भी नाम है, जैसे राम, ठीक है, मोहन, ये सब व्यक्तियों के खास नेम है, इन्हें हम पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन करेंगे। ठीक है, सीता, ठीक है, इस तरह और भी हो सकते हैं, या और भी हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कॉमन नेम ऑफ प्लेस, मतलब स्थानों के समान नाम, जैसे टाउन, विलेज, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, फॉरेन। ठीक है, यानी स्थानों के समान नेम। चलो अब आगे हम देखते हैं पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेसेस, स्थानों के खास नेम। अब जो भी स्थान है उनके खास नेम, जैसे शहरों के नाम, पटना, रांची, मुंबई, किसी भी शहर का नाम तुम सोच सकते हो, बोल सकते हो, ये सभी स्थानों के खास नेम हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं नेम ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, एडेबल एंड अदर थिंग्स, मतलब कोई भी फल, जितने भी फलों के नाम है, जितने भी फूलों के नाम है, जो भी अनाज है जिसे हम खाते हैं, एंड अदर थिंग्स, कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु, ये सभी नाउन होते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं नेम ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये सभी नाउन है। कोई भी एनिमल, इससे जितने भी एनिमल हैं सभी नाउन है, सभी बर्ड्स वो भी नाउन है, सभी तरह के इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हम देख रहे हैं वो सभी नाउन होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, मतलब वो नाम जिसे किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, दिन, महीना भी हो सकते हैं ना, ताबूत हो, उसे प्रॉपर नाम कहते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पर कोई बताओ, एक एग्जाम्पल में राम, और क्या होता है, और प्लेस में नाम बताओ, प्लेस में यहाँ पर क्या हो सकता है, पटना हो सकता है, पटना, दिल्ली, मुंबई। ठीक है, उसी तरह से कुछ भी नाम, दिन, महीना, संडे, मंडे, है ना, जनवरी, फरवरी, ये सब हमारे होंगे प्रॉपर नाम। आगे हम देखते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब यहाँ देखते हैं कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उसके पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताओ, बॉय, गर्ल, मैन, रिवर, विलेज, बुक, डे, मंथ, कंट्री, टाउन, एटसेट्रा, ये सभी कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। तीसरा हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक चीज़। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन।
मतलब जिस नाम से एक ही प्रकार के व्यक्तियों का वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, ठीक है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे क्लास, क्लास से बस का बोध हो रहा है, तो झील का बोध हो रहा है, यहाँ पर एक झुंड या समूह का बोध हो रहा है, आर्मी है ना, ग्रोह झुंड, किसी भी चीज का झुंड हो सकता है, टीम जिसे कोई टीम बनता है पास, खेल का भी टीम हो सकता है, ठीक है ना। आगे फैमिली, फैमिली को भी हम लोग कलेक्टिव नाउन के समूह में रखते हैं, ठीक है। चलिए नंबर चार हम लोग देख रहे हैं मटेरियल नाउन, ठीक है, द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ध्यान देना, ईटेन मेजर एंड वेटेड बट नॉट काउंटेड, मतलब वैसा नाउन जिसे हम लोग खाते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते हैं, काउंटेड, जिसे गिन नहीं सकते, इस तरह के नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर पीते हैं, गिनेंगे, वीट गेहूँ आटा बना के हम लोग खा जाते हैं, क्या उसे हम लोग गिन पाएंगे, घी इसको माप सकते हैं, तोड़ सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। फूड लकड़ी इसे हम लोग तोड़ सकते हैं पर क्या गिनेंगे, मील आयरन वेट कर सकते हैं, गोल वेट करते हैं, ऑयल इसको भी वेट करते हैं, माप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि चीज, मतलब जिन चीज़ों को हम लोग खाते पीते हो, मापते तोड़ते हो पर गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखते हैं, भी मटेरियल नाउन होते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं नंबर पांच एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट सीन और टच बट ओनली थॉट ऑफ, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ऑनेस्टी ईमानदारी, गुडनेस अच्छाई, हीट गर्मी, पॉवर्टी गरीबी, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं।